जिस एटलस गोल्डलाइन साइकिल से हम में से बहुत से लोग बचपन में जाते थे स्कूल, उसकी फैक्ट्री आज हुई बंद। मालवा मिरर के लिए राजेश जौहरी की खबर। 90 के दशक के मध्य तक जो एटलस साइकिल लगभग हर व्यक्ति के जीवन का एक अहम हिस्सा हुआ करती थी, उसके बारे में बात करते हुए लोग अपने बचपन के दिनों में खो जाया करते हैं। स्वर्गीय जानकी दास कपूर द्वारा देश के लोगों को वाजिब दामों में साइकिल देने के उद्देश्य से एक छोटा साइकिल कारखाना बनाया गया था। छोटे कारखाने ने बाद में 25 एकड़ में बने एक बड़े कारखाने का रूप ले लिया। 1951 में शुरू हुई एटलस साइकिल 1965 तक देश की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी बन गई थी और 1978 में इस कंपनी ने पहली रेसिंग साइकिल भी निकाल दी थी। 82 के एशियन गेम्स में साइकिल सप्लायर कंपनी के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली एटलस साइकिल ने साइकिलों का विदेशों में निर्यात भी शुरू कर दिया था। 2014 में मध्य प्रदेश की फैक्ट्री बंद करने के बाद आज साहिबाबाद के कारखाने को भी ले ऑफ के चलते बंद कर दिया गया। कारखाना प्रबंधक ने इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए समस्त कर्मचारियों को ले ऑफ की शर्तों के अनुसार प्रतिदिन हाजिरी लगाने के लिए कहा है। यह खबर मालवा मिरर ने इसलिए दर्शकों के लिए बनाई है क्योंकि लोगों की यादें इससे जुड़ी हुई हैं।